अभी मिला दे, राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कृष्ण जन्मभूमि यानी कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करने मथुरा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं वृंदावन से मथुरा की इस यात्रा पे हमारे साथ। माता वैष्णो देवी, जय माता दी को सारे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जो सुधरे राघव तो नहीं पटना और पप्पा जाओ वृंदावन। तो भाई मथुरा पहुंच गए और श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है वो अभी बंद है, 4-4:30 बजे के आसपास खुलेगी। तो हम आ गए हैं यमुना जी के घाट पे, तो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। और ये हमारे पीछे है कंस किला, यानी कंस का किला बोलते हैं। अगर खुला होगा तो यहाँ पे जाके आते हैं, नहीं तो यहीं थोड़ा घूमते फिरते हैं और फिर चलेंगे जन्मभूमि देखने। ठंड हो रही है अच्छी खासी और ऐसा सा माहौल है यहाँ का, और झूले लगे हुए हैं हर जगह पे। उधर देखते हैं जाके अगर खुला होगा तो, नहीं तो अपना झूला झूलो कंपटीशन चल रहा है। मथुरा के यमुना घाट, वहां अंदर हो रही है, यहाँ पे भी बोटिंग। वैसे बोटिंग तो हमने वृंदावन में कर ही ली थी। अभी मिला दे, अरे राधे, राधे गोपाल मेरो है, पता तो नहीं भी आवे ओ पिट्टे ना तेरे वाला। राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे। यो अभी अपन जीते किधर चाची, हाँ यह बात तो है। फोन वाली तो कोई बात नहीं, कदे तू लट उठ के सारे तेरे लगाया के सीते हो रही है। इसके तो कौन लगता मोड़ा पास भी मैं कोनी देख, मैं तो आ गया हूँ। वही कर रहा है, उल्टे ना बड़ी हेलीकॉप्टर में बैठी है। तो भी हम सबसे पहले जा रहे हैं कंस का किला में। इधर से आए हैं हम लोग और कंस किला, ये सीढ़ियां जा रही है ऊपर। चलो सर, हम पहुंच गए हैं कंस किला के ऊपर और अब चारों तरफ का व्यू देखेंगे ना यहाँ से, तो बड़ा कमाल का है। यमुना जी का एक ब्रॉड व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं कंस किला के ऊपर आके। देखिए कैसा व्यू दिख रहा है। अभी तो पानी कम है, सर्दियों का टाइम है, जब भर्ती होगी तो मतलब अच्छा खासा कितना बड़ा फैलाव होगा उस टाइम पे, लेकिन अभी भी बहुत शानदार है। और कितनी ऊंचाई हो गई है जरा सी सीढ़ियां चढ़ के। ओरिजिनली तो कहते हैं कि कंस का जो किला था वो यही था, और जो कृष्ण जन्म स्थान है अभी तो श्री कृष्ण जन्म स्थान जो है वो जेल थी जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, ये वो जगह थी। लेकिन जो अभी के यहाँ के वो मिलते हैं ऐतिहासिक प्रूफ,
उनके मुताबिक सन 1600 ईस्वी में राजा मानसिंह जयपुर के जो थे उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये अभी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये भी कम से कम 400 साल पुरानी है, उससे पहले का भी कोई आधिकारिक रिकॉर्ड है नहीं है, लेकिन पूरे शहर में यही कंस के किले के नाम से जाना जाता है। हालांकि पूरा किला जो है वो खराब हो गया है, तो बहुत कुछ यहाँ पे देखने के लिए अब नहीं बचा है, लेकिन फिर भी आप आएंगे तो फील करेंगे और एक बार के विजिट के लिए तो जगह है। और ये सारा जो देखिए क्या व्यू दिख रहा है नीचे से मथुरा का, यमुना जी का, ये तो आप यहाँ आके ले ही सकते हैं। अभी हालांकि हवा लग रही है हमें तो काफी ठंडी लग रही है, मे भी गर्मियों में होती तो थोड़ा बहुत मजा आता यहाँ पे मतलब इस जगह पे आके, लेकिन काफी शानदार व्यू है। आज तो कोहरा है तो बहुत लंबा हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी शानदार व्यू है यहाँ से कंस के किला के ऊपर से। तो ये है जी देखिए जमुना जी का व्यू, ये हो गया कंस का किला ऊपर से अभी कुछ ऐसा है। हालांकि इस टाइम पे तो आप देखेंगे ना तो सारा साइड में से अभी आपने देखा ना खराब सा ही हो गया, लेकिन फिर भी ऊपर है और अब तो लोग रह भी रहे हैं इसके अंदर, मतलब यहाँ पे नीचे मकान बने हुए हैं और कुछ ऐसा सा है, मतलब बहुत बड़ा है और यहाँ से आगे लग रहा है कि ये बराबर सा ही है, और उस तरफ से जब हम जाते हैं तो फिर इसकी गहराई जो है जमुना जी की तरफ से मतलब ऊंचाई जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। आप देख सकते हैं 3-4 मंजिल के आसपास हो गया इधर से, और बंदर बहुत है यहाँ पे भी, और पूरा शहर आपको अच्छा खासा इस साइड से दिख रहा है और इधर से जमुना जी दिख रही है, और देखो बंदर भी पूरा ध्यान लगा रहा है कैमरे के ऊपर। तो कुछ ऐसा व्यू आपको मिलता है कंस किला से, ऐसा है ऊपर से कुल मिला के कंस का किला। टाइमिंग की बात करें तो अभी हमने पता किया सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक यहाँ पे आप आ सकते हैं। हालांकि कोई चेकिंग वगैरह कोई टिकट वगैरह यहाँ पे नहीं थी, लेकिन दिन में ये खुला होता है बेसिकली, जैसे दिन में जो मंदिर बंद होते हैं अगर वो टाइम आपके पास होता है तो आप उस टाइम में आ सकते हैं कंस किला देखने के लिए। बस एक ऐतिहासिक जगह है आप ये कह सकते हो, यहाँ पे आएंगे तो आपको एक अच्छा सा व्यू दिखेगा जमुना जी का, और इस साइड में आप देखेंगे तो मथुरा शहर का। हम आ गए हैं भाई कंस का किला घूम के, ज्यादा देर का नहीं है, मतलब आप आधे पौने घंटे में आराम से जाके आके देख के आ सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा कुछ तो हैवी नहीं है वहां पे देखने के लिए, बस एक व्यू है जो ऊपर से बहुत बढ़िया मिलता है। तो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि समय हो गया है, करीब 4 बज गए हैं, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है वो ओपन में भी हो गई होगी या होने वाली होगी, 4-4:30 बजे हो जाती है, तो वहाँ चलते हैं और दर्शन करके आते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे उस जगह के। पहुंच गए हैं भाई मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान जन्मभूमि के पास में, 100-150 मीटर बता रहे हैं, आगे गाड़ी जाने नहीं देते, तो कोई भी पार्किंग देख के यहाँ पे गाड़ी आप लगा सकते हो और फिर आगे पैदल जाना पड़ेगा। जहां तक भी मोबाइल ले जाने देंगे वहां तक की रिकॉर्डिंग आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, तो कनेक्ट रहिएगा। आगे चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन के लिए। गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके हम पहुंच गए हैं जन्म स्थान के आगे वाले रोड पे, पास में है 200 मीटर के 200-300 मीटर आसपास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूर नहीं था। और देखो दर्शन करवाता हूँ आपको बाहर से, ये है सर देखो जन्म स्थान के दर्शन सामने से। अब गेट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ये हो गए जय श्री कृष्णा, और कुछ ऐसा सा माहौल है, अभी सर्दियां हैं तो भीड़ थोड़ी कम है, और फिर अभी खुला भी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब दिन का जो बीच में बंद रहता है ना उसके बाद ठीक ठाक भीड़ है, अभी में भी बढ़ेगी, देखते हैं अंदर जाने में कितना टाइम लगता है। तो पहुंच गए हैं भाई श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट के सामने, अब देखते हैं क्या प्रोसेस है आगे का। ये है सर देखो यहाँ से होती है एंट्री श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए,
एक रथ पे बना रखे हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन संवाद। ये हो गया श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट और वहाँ है पीछे मंदिर। ये तो ये है भाई एंट्री गेट। यहाँ से आगे अब कैमरा अलाउड नहीं है और इधर है लॉकर रूम। तो पहले लॉकर में सामान जमा करवाना है। ये मंदिर के साइड में आके ये है क्लॉक रूम। 2 रुपए प्रति नग यानी जितना सामान आपके पास है वो आप यहाँ जमा करवा सकते हैं अपना, और वो आने के बाद आप ले सकते हैं वापस। कितने पैसे लेंगे ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ आप अपना मोबाइल पर्स वगैरह छोटा सामान जो है वो यहाँ जमा करा सकते हैं, और बड़े बैग वगैरह के लिए नेक्स्ट बिल्डिंग के अंदर जो है वो जगह है। तो भाई जा रहे हैं मोबाइल जमा करवाने, क्योंकि आगे अलाउड नहीं है कुछ भी, चाबी तक भी अलाउड नहीं है आगे। तो सब जमा करवा रहे हैं, दर्शन करने जाते हैं और आने के बाद आप लोगों से बात करते हैं और बताते हैं कि कैसा लगा। तो चलिए दर्शन करके आते हैं, फिलहाल मोबाइल जमा करना पड़ेगा यहीं तक, आगे मिलते हैं जस्ट इसके बाद दर्शन करके। तो हम दर्शन करके आ गए हैं भाई वापस। टाइम लगा है करीब 2 घंटे के आसपास, जो क्लॉक रूम था उसमें से ले लिया। 2 रुपए प्रति आइटम के हिसाब से उन्होंने पैसे लिए, यानी एक चाबी और एक जैसे मोबाइल का है 4 रुपए लिए टोटल 2 घंटे के लिए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का मेन दरवाज़ा। इसके अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ आप जेब में पैसे रख सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं ले जा सकते अंदर। ऐसा है कुछ अभी रात का माहौल, मतलब अभी जा ही रहे हैं लोग अभी दर्शन करने के लिए, तो भीड़ भाड़ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नहीं है और लाइटें वाइटें जल गई हैं। तो देखो मंदिर अंदर से कितना खूबसूरत लग रहा है। मंदिर में ना आप जाके दर्शन कर सकते हो उस कारागार के, उस स्थान के जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे, और उसके अलावा एक भगवान श्री कृष्ण का खूबसूरत मंदिर, और बाहर से भी ना पूरा मंदिर जो है वो बहुत खूबसूरत है। तो आप अच्छे से 1-2 घंटा आराम से फैमिली के साथ घूम सकते हैं। मोबाइल वगैरह आपके पास में कुछ होगा नहीं, तो आप आराम से भगवान में ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। अब ऐसे बताने से तो आपको वैसे भी मज़ा नहीं आएगा, तो आप अगर वृंदावन आए नहीं आए हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान एक बार ज़रूर आके देखें, बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत है। ये हो गया कृष्ण जन्मभूमि का इधर जाने का गेट, और उसके सामने आप यहाँ पर भी देख सकते हैं पोतरा कुंड बना हुआ है जो बहुत खूबसूरत है। देखो इसके अंदर लाइट एंड साउंड शो भी होता है रात में 9:20 पे, तो अगर लेट तक रुकते हैं तो वो देख के भी जा सकते हैं। देखो दिखाते हैं आपको, रात्रि 9:20 से अभी देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से जी कृष्ण जन्मभूमि से अब हम निकल रहे हैं आगे, और इसके साथ ही हमारा मथुरा और वृंदावन का ये ट्रिप जो है वो होता है ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों को अगली ट्रिप में जल्दी ही। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मथुरा वृंदावन का ट्रिप हो रहा है यहाँ पे ख़त्म, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चले वापसी, राधे राधे सबको। सही लगा सबको? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारा गणों